इतिहास के पन्नों को पलटते पलटते आज हम 200 साल पुराने पन्नों पर आ पहुंचे, जहां आज हमें संथाली आदिवासियों की कुछ कहानियां सुनने को मिली और इस कहानी से जुड़ी सच्चाई को देखने आज हम आ पहुंचे इस जगह पर जहां ये कहानियां शुरू हुई थी। हाँ तो भैया जी, फिलहाल अभी मैं घर से सुबह को निकला था और डैट मैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे जगह पर भी ड्रोन फुटेज लिया है और काफी खूबसूरत आया है। तो जैसा कि आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक पहाड़ है और पहाड़ के सामने में जस्ट एक मंदिर है। तो ये मंदिर लुगू बाबा के लिए बनाया गया था। पीछे देख रहे हैं जो पहाड़ है, अंदर में सुनता हूँ कि यहाँ पर एक गुफा है। तो उस गुफा में जाने के लिए यहाँ से करीब आपको 7 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग उतनी दूर के लिए तो प्रिपेयर होकर नहीं आए हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर ललपनिया में हैं और तो इस लोकल एरिया के लिए एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है। तो इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिएगा और आइए आपको समझाते हैं कि इस लुगू पहाड़ का और लुगू बाबा का यहाँ पर क्या रहस्य है। लुगू बुरु घंटाबाड़ी संथाली आदिवासियों का धार्मिक स्थल है, जिसे आज छरछरिया के नाम से जानते हैं। ये धार्मिक स्थल बोकारो जिला के ललपनिया में है, जो रांची से करीब 69 किलोमीटर की दूरी पर है और रामगढ़ से 38 किलोमीटर की दूरी पर है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर संथाली आदिवासियों का एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे झारखंड के संथाल आदिवासी अपने देव लुगू बुरु की पूजा करते हैं, जिसमें ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और भी कई राज्य के संथाल आदिवासी इस मेले में आकर पूजा करते हैं। लुगू बुरु घंटाबाड़ी संथाली आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि लाखों सालों पहले लुगू बाबा के अध्यक्षता में उनके जन्म से मृत्यु तक के रीति रिवाज, या फिर कह सकते हैं कि उनके संविधान की शुरुआत हुई थी। इस तरह देश के हर कोने में रह रहे संथाली आदिवासियों का एक केंद्र बन गया। संथाली आदिवासी के अनुसार लुगू बाबा के अध्यक्षता में 12 साल तक बैठक चली। हालांकि इतिहास के पन्नों पर यह भी है कि गेल बार सिया और गेल बार इंदा, यानी 12 दिन और 12 रात का जिक्र है, जिसमें संथालियों के संस्कृति की रचना पूरी हुई थी। इतने लंबे समय तक यह बैठक के बाद यहाँ के लोगों ने फसल उगाई और धान कूटने के लिए चट्टानों का इस्तेमाल किया गया, जिसके निशान आज भी आपको यहाँ मिलेंगे। कहा जाता है कि लुगू बाबा इसी छरछरिया के नीचे एक गुफा में रहा करते थे और इस गुफा का दूसरा मुख द्वार 7 किलोमीटर की दूरी पर लुगू पहाड़ के दूसरे कोने पर निकलती है। ये गुफा अब भी खुली हुई है और इसमें वही लोग जा सकते हैं जो लुगू बाबा के सच्चे भक्त हैं। तो यहाँ से आगे जाकर कुछ दूरी पे यहाँ पर माउंटेन व्यू का जो एक स्पॉट होता है वो काफी शानदार है। तो सोच रहे हैं कि वहाँ पर जाके उस नज़ारे का आनंद ले, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं और वहाँ से अपना बाइक लेके चलते हैं पहाड़ की तरफ। यहाँ आकर मैं इन कहानियों को जानकर बहुत ही अचंभित हुआ और इसकी खूबसूरती के बारे में तो मैंने सुना ही था, पर यहाँ आने के बाद ये नज़ारे कुछ और ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये घने घने जंगल इस नज़ारे को बेहद ही खूबसूरत बना रहे थे। इन जंगलों के बीच से ये जो सड़क है इस नज़ारे को और भी मनमोहक बना रही थी। भले ही इस पहाड़ पर मैं चढ़ नहीं पाया और इन गुफाओं पर मैं जा नहीं पाया, लेकिन अगले ब्लॉग पर मैं आपको इन गुफाओं और पहाड़ों के बीच ले चलूँगा।